जनपद फतेहपुर में न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर नहीं मिल रहा न्याय। आपको बता दें कि शादी के बाद दहेज के चलते महिला को मारपीट करते थे प्रताड़ित, जिसकी शिकायत महिला महिचा चौकी बाद थाने के चक्कर काट चुकी थी। पूर्व में चौकी इंचार्ज बहला फुसला कर ससुराल भिजवा देते थे, लेकिन प्रीति के ससुराल वालों ने मारने पीटने वाले हथकंडे बंद नहीं किए। वहीं कार की डिमांड पूरी न होने के कारण प्रीति के ऊपर ससुराल जनी ने लगाई आग। आग में प्रीति ने एक प्राइवेट अस्पताल में तोड़ा दम। यह पूरा मामला टेनी गाँव का प्रकाश में आया, जहाँ अनिता सैनी जिला हमीरपुर मौदहा अपनी लड़की की शादी टेनी गांव में नीरज पुत्र बुद्धिलाल सैनी के साथ 2 जून 2017 में की थी। शादी के तुरंत बाद प्रीति को ससुराल वालों ने दहेज के कारण मारने पीटना शुरू कर दिया और ससुराल से भगा देते थे। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा, जिसकी सूचना माँ और भाई को देती थी, लेकिन बेबस माँ अपनी इकलौती बेटी को बार बार ससुराल भिजवा देती थी। प्रीति ने बताया कि नीरज सैनी पल्लेदारी का लोडर चलाते हैं, जिससे अब कहते हैं कि मुझे चार पहिया चाहिए जिससे हम कुछ कर सके, दहेज के कारण मुझे मारते हैं। ये सारी बातें पहले बता चुकी थी, लेकिन बेबस प्रीति ससुराल से मायके भगा दी जाती थी और फिर ससुराल जाती थी। यह प्रक्रिया काफी महीनों तक चलती रही और बस सब कुछ बर्दाश्त करती रही। जब अंत में ससुराल वालों ने सारी हदें पार कर दी तो प्रीति ने इसकी सूचना महिजा चौकी व थाने में FIR 4 जून 2018 को दर्ज कराई। FIR रिपोर्ट के मुताबिक थानेदार साहब द्वारा पीड़ित किए जाने का मामला दर्ज किया था। महिजा चौकी बाद थानेदार साहब ने आश्वासन दिया, ससुराल जाओ अब कुछ नहीं करेंगे, कोई बात हो तो मेरे दिए गए नंबर पर फोन करना, यह कहकर टाल दिया। इन सभी बातों को मानते हुए प्रीति फिर से ससुराल चली गई। वहीं कुछ महीनों के बाद दहेज लोभियों की करतूतें आगे बढ़ती गई, प्रीति को ससुराल जनी फिर से प्रताड़ित करने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद प्लानिंग रची और अचानक प्रीति का पति नीरज सैनी 28 मार्च 2019 को सुबह करीब 8 बजे लातों घूसों से मारने लगा। इतने में सब्र नहीं हुआ तो अपनी बेल्ट उतार कर बेरहमी से उसको पीटने लगा। वहीं वह चिल्लाती रही लेकिन बेल्ट की मार नहीं रुकी। वहीं सहमी हुई प्रीति ने सभी के कदम चूमती रही, लेकिन करे तो क्या, एक जालसाजी थी, क्योंकि प्रीति ने मरने से पहले खुद बताया था कि जिससे मेरी शादी कराई थी ज्ञानेंद्र, उसने फोन पर एक दिन पहले नीरज से बात करते हुए कहा था कि इसको जान से मार दो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगा। मैं चला पहले मेरी बेल्ट बेल्ट माने झापड़ झापड़ सबेरे कह देते हैं यहीं छोड़ के जाइए माँ तारी का दिए हैं सब लाई जा मन को मैं मायके छोड़ा हूँ मरे तो कहती तो यहीं मरी गए तो यहीं मर पे। फिर एक दिन पहले एक मौसी को फोन ना हुए और तो मौसी कहती मैं तो अभी आओ कर रही हूँ यही डंडी का मार हार सबेरे। फिर मारे मिट्टी का तेल पहले मारे फिर मिट्टी का तेल डाल दें मिट्टी के तेल डालने के बाद मैं साड़ी लगा दी तो मैंने साड़ी उतार के फेंक दी। फिर मैं बैठ रहा तो मेरे पर सिंह चला के फेंक देने से मैं जहाँ बाहर का भाग तुम्हें पकड़ लेने उस पर जब मैं चिल्लाने लगे तो मेरे पानी डाल देने से जी क्या नाम है आपका? अनिता सैनी जी। कहाँ के रहने वाले? जिला मैं मौदहा की रहने वाली हूँ, जिला हमीरपुर जी। क्या और मैंने अपनी लड़की की शादी ट्रेनिंग में की थी। किसके यहाँ? बुद्धिलाल के यहाँ। बुद्धिलाल सर? बुद्धिलाल सैनी के यहाँ। कौन थाना है? खागा थाना। बुद्धिलाल कौन? बुद्धिलाल सैनी कौन है? उसका ससुर है मेरी लड़की के। ससुर है? और हस्बैंड क्या नाम था? जिसके हस्बैंड का नाम था नीरज सैनी। नीरज सैनी। क्या हुआ घटना में? घटना में साहब मैं जब उन्होंने मेरी लड़की को 28 तारीख को जला दिया और जलाने के बाद उन्होंने बगल वाले ले गए और ले जाने के बाद जब हमें पता चला तो हम लोग आए तो भर्ती किए थे अस्पताल में तो हम लोग लेके कानपुर चले गए। कानपुर गए तो वहाँ हम लोग नहीं बचा पाए। अब हम अगर थाने जब महिषा मंदिर के दरोगे पास जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि तुम पागल हो चुकी हो। कौन कहता है? महिषा मंदिर का दरोगा। और क्या कहता है? कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो और मुलजिम ढूंढ के बताओ हमें कहाँ है। अब सर मैं कहाँ से बताऊँ, मेरी लड़की मर गई है, मैं कहाँ से बताऊँ इन लोगों को। इसके पहले आप कहीं शिकायत की थी? शायद मैंने तो नहीं की थी, मैं समझौता कर दिया था उन्होंने। क्या वास्तव में प्रताड़ित करते थे? हाँ, वो हमेशा उसको मारते थे डांटते थे और मैं समझा के अपनी लड़की को बेच देती थी। मेरे आदमी नहीं सर, मेरी तो नहीं नहीं। अभी आपके लड़के हैं रवि सैनी, उन्होंने बताया कि इससे पहले भी पूर्व समझौता हो चुका था। हाँ, समझौता चौकी दरोगा ने समझौता किया था। हाँ, तो इन्होंने विश्वास दिलाया था, इन्होंने विश्वास दिलाया कि चलो ठीक है अच्छे से रखेंगे, भेज दो। मैंने भेज दिया। किसने कहा था? वही नीरज ने। और इसके बाद मारा जला के मार दिया गया। बस इसके बाद जला के मार दिया गया।
और अब आश्वासन देते हैं कि ढूंढ के लाओ। अब उनको कहते हैं ढूंढ के लाओ, समझौता कर लो। अभी आप एसपी साहब के यहाँ आई, क्या कहते हैं? एसपी साहब के यहाँ आए हैं, अब एप्लीकेशन दिया, अब देखो कहते हैं कि होगा मान लो करेंगे। बच्ची है साहब उसी की, 9 महीने की बच्ची है। अच्छा, ये बच्ची उन्हीं की है? हाँ, ये बच्ची उन्हीं की, 9 महीने की बच्ची है साहब। इसका भी नहीं लाओ। अब आप क्या चाहती हैं आगे? अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे लिए इस नातिन को न्याय मिले और इन लोगों को सजा मिले। किन लोगों को सजा? नीरज किसानी को, बुद्धिलाल को और उसकी माँ को और मौसी मौसिया को। अच्छा, वो भी शामिल थे क्या? हाँ, वो भी शामिल थे, उसके मौसी मौसिया, वो भी आ गए थे फोन करने के। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए पंकज पटेल की रिपोर्ट, फतेहपुर। जनपद हरदोई में बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के महीनकुंड गांव में अवैध शराब ना बनने का संकल्प गांववासियों ने बेनीगंज कोतवाल सिर्फ शंकर सिंह के समक्ष लिया। आपको बता दें कि बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के महीनकुंड गांव में अवैध शराब ना बनने का संकल्प गांववासियों ने बेनीगंज कोतवाल सिर्फ शंकर सिंह के समक्ष लिया। साथ ही ग्राम वासियों ने शपथ में कहा कि गाँव व क्षेत्र में अवैध शराब नहीं बनने देंगे, अगर गाँव व क्षेत्र में अवैध शराब बनाने की जानकारी मिली तो पुलिस के सहयोग से रुकवाएंगे। इस दौरान ग्राम प्रधान बिरजू व समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। हम जोर से बोलिए, सभी लोग बोलो एक साथ में, तो मुझे आनंद ही नहीं आएगा। हम महीनकुंड ग्रामवासी शपथ लेते हैं कि हम अपने गांव में अवैध शराब नहीं बनने देंगे और न ही अवैध शराब की बिक्री होने देंगे। यदि हमारे गांव में कोई शराब बनाता है तो हम पुलिस के सहयोग से इस कार्य को रुकवाएंगे। आसपास के क्षेत्र से भी हमें शराब बनाने की सूचना मिलती है तो हम पुलिस को सूचना देकर उस शराब बनाने वाले के विरुद्ध या बेचने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करवाएंगे। हमारा शराब बंदी में जिससे मानव जीवन प्रभावित हो रहा है, पुलिस को पूर्ण सहयोग करेंगे। धन्यवाद। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट, हरदोई। जनपद बदायूं में वाहन चेकिंग करते समय पुलिस ने युवक का सिर फोड़ा। थाना मूसा झाग में वाहन चेकिंग चल रही थी, उसी समय दादागंज की तरफ से तेजपाल आयु 29 वर्षीय पुत्र हरीश चंद जाटव निवासी दौर नरोत्तमपुर थाना सिविल लाइन बदायूं बाइक से अपने घर जा रहा था कि समय करीब 6 बजे शाम को वह मूसा झाग थाने के समीप आया। उस दौरान चेकिंग करने वाली टीम के किसी सिपाही ने युवक के सिर में डंडा मार दिया, जिसके लगने से युवक का सिर फट गया और खून बहने लगा। युवक ने अपनी बाइक रोकी और वहीं बैठ गया। आसपास के दुकानदारों ने जैसे ही देखा और भागकर युवक के पास आए, वहां काफी हंगामा होने लगा। शोर सुनकर थाने में बैठे थाना अध्यक्ष ललित भाटी भी मौके पर आ गए और भीड़ को समझा बुझाकर मामले को शांत किया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए पुष्पेंद्र कुमार के साथ वीरपाल सिंह की रिपोर्ट, हजरतपुर बदायूं। गोंडा में स्थित दुग्ध उत्पाद सहकारी संघ लिमिटेड गोंडा के तत्वाधान में विश्व दुग्ध दिवस के उपलक्ष्य में डेयरी सहकारिता जागरूकता कार्यक्रम 1 जून 2019 को दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड गोंडा के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नत्थू सिंह, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी देवी पाटन मंडल एवं जितेंद्र कुमार त्रिपाठी सहायक प्रबंधक दुग्ध संघ गोंडा के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। राष्ट्रीय डेयरी योजना में दुग्ध उत्पादों एवं महिलाओं की सुविधा हेतु सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले फ्लेक्सी बायोगैस स्थापना के संबंध में रुचि श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में उपस्थित किसानों को उसके बारे में जानकारी दी। वहीं मुख्य अतिथि नत्थू सिंह ने अपने उद्बोधन के द्वारा विश्व दुग्ध दिवस एवं डेयरी सहकारी जागरूकता कार्यक्रम पर आए हुए किसानों को पशुपालन अधिक दुग्ध उत्पादन पशुओं को बीमारी से बचाओ सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुँचाने हेतु इन लाभकारी योजनाओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस बारे में उपस्थित किसानों को जानकारी दी। जिन्होंने
तमाम योजनाओं को जो भी जनता से जुड़ी हुई है, जो भी आपसे जुड़ी हुई है, उनको जमीन में उतर करके और उसको क्रियान्वयन करने का जो काम किया है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए कम है। मैं चाहता हूँ कि स्वागत उद्बोधन के लिए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नथु सिंह जी, जो कि उप दुग्धशाला विकास अधिकारी देवी पाटन मंडल है, ये कार्यक्रम प्रारंभ हो, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपका दो शब्द हो जाए। मैं ये मीटिंग में डिसाइड किया गया कि इंसान महत्वपूर्ण है, वो सारे तत्व उसमें पाए जाए। आज का कार्यक्रम इसी उद्देश्य से कि जनता को इस संबंध में जागरूक किया जाए, पशुपालन के संबंध में अवगत कराया जाए, मिल्क और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट कैसे हम प्रोसेसिंग करें, कैसे उनके और बायो प्रोडक्ट बनाएं और हम सब लोग उसका उपयोग करें और अपना जीवन स्तर भी उसको सुधारें, अपना स्वास्थ्य पास करें। बेटी ना अधीना बहुत सटीक बैठता है और हम लोगों को कुछ बहुत कम रोकता है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ 1.25 मीटर की चौड़ाई लेगा, वो आपको फोटो के माध्यम से और वो व्हाट्सएप के माध्यम से मैं शेयर करूँगी और अपने उस पर है, ग्रुप पे है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। और वो 1.5 मीटर गहराई के उस पर एक बायोगैस लगाया जाएगा जो कि खेती से जुड़ा आप गोबर इकट्ठा करोगे और प्रतिदिन 40 किलो गोबर उसमें घोल के और डालना होगा। उसका एक बात है कि आपको 2 सिलेंडर भर का गैस पूरे महीने मिलेगा और बस एक इसके साथ ये फायदा है कि आपको जैसे मीथेन की बात कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग, ग्लोबल वार्मिंग की बात, हिंदुस्तान की केमिकल से बने दूध, रसायन से बने हुए दूध, कम इस मिलावट की दुनिया में पराग एक ऐसी संस्था है जहां विशुद्ध रूप से दूध का संकलन होता है, उसको रख रखाव किया जाता है और उसको मार्केट में पहुंचाया जाता है। आज का जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय खाद्य दिवस जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण है कि पूरा आहार मिलकर और इसको डेवलप के लिए इसको हम किस तरह से आगे और प्रोडक्शन बढ़ाएं, फार्मर की जो कार्यशैली है, फार्मर की जो डेवलपमेंट की एक्टिविटी है, उसमें एक पशुपालन, पशुपालन से मिल्क उत्पादन, ये सारी एक्टिविटी है जो हम ऐसे कार्यक्रम में उनको अलग कर रखते हैं। आगामी सर योजनाएँ क्या हैं इसकी? सरकार का रुझान है कि ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए बेसिकली दुग्ध नीति भी जारी की गई है 2018, उसमें डेयरी इंडस्ट्री के लिए 1,50,000 से 50,00,000 तक अनुदान की व्यवस्था है और हमने पूरे फार्मर को अवगत कराया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसमें रुझान या अपनी रुचि लेना चाहता है, इंडस्ट्री बनाना चाहता है, तो हम सदर आमंत्रित करते हैं, उसका पूरा सहयोग करते हैं। और साथ ही साथ 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे बेसिकली जनरल चलता है कि हम फार्मर के लिए टाइमली पेमेंट के लिए स्कीम है, जुलाई माह से इसकी खाला से आवंटित होती है पेमेंट और आपके होते हैं, क्योंकि एक प्रक्रिया में बहुत सारे खर्चे आते हैं, खर्चे को मिटाउट के लिए सरकार हमको अनुदान भी देती है, साथ साथ टेक्निकल इनपुट में भी एनिमल के लिए सहयोग के लिए मेडिसिन हैं, जनरल मेडिसिन आते हैं वो टाइमली फार्मर को दिया जाता है। इसके साथ साथ आजकल टेक्नोलॉजी है मॉडर्न को देखते हुए UPMC, AMC, BMC की मशीनों की व्यवस्था है जो हम आज दे रहे हैं चारों जिलों में आवंटित की जा रही है। सर जो सदस्य हैं जिसे आपने आमंत्रित किया है कि वो हमारे पास आएँ, तो वो कहाँ पे आए, उनको कहाँ से सारी जानकारियाँ मिलेंगी और सारी सुविधाएं उनको मुहैया होंगी? हर जनपद में कहीं ना कहीं कार्यालय हैं या चिलिंग सेंटर हैं जिसको ऑक्सीजन के लिए मिलते हैं, वहाँ हमारा स्टाफ रहता है और मेरा पोस्टिंग बहराइच है, तो मैं बहराइच में चिलिंग सेंटर में वहाँ बैठता हूँ जी, तो मेरा नंबर भी सबको है जी, अभी भी कॉन्टैक्ट करते आ सकते हैं। सर एक बार हमारे दर्शकों को आप अपना नंबर भी आप प्रोवाइड करवा दें जी। जरूर, मेरा नंबर नोट करना प्लीज जी, 9451757523। सर एक बार दोहरा दीजिए, 9451757523 जी। सर एक चीज़ और है, मैंने देखा है कि आपके इस बैनर पे
एक लिखा है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मिल्क मिशन अगली क्रांति, इसलिए एनडीडीबी राष्ट्रीय विकास उसकी प्लानिंग है इंडिया को मोटिवेट करती है मिल्क प्रोडक्शन के लिए जी। इससे पहले आपने सुना होगा ऑपरेशन ट्रक जी, ये भी एनडीडीबी की देन थी, 1970 से अपडेट हुआ था, आपने देखा उसको एक क्रांति देश में आई थी, मिल्क प्रोडक्शन एकदम बड़ा था जी। उसी तरह आज के जो सीजन है, आज का एनडीडीबी का जो मिशन है जी, वो दुग्ध मिशन है जी। उनका ये कहना है 2021 तक हमको 22 करोड़ टन मिल्क प्रोडक्शन टारगेट को अचीव करना है। अभी 11 के संसद के अनुसार करीब 12 करोड़ टन मिल्क रहा है और TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए अशोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, गोंडा।